कोई व्यक्ति कैसे किसी की जिंदगी का सौदा कर सकता है, कैसे मुनाफे के लिए किसी की सांसों को मोटी मोटी रकम लेकर बेच सकता है, और कैसे वह व्यक्ति उस कमाई से अपने बच्चे के सपने को खरीद सकता है, कैसे अपनी पत्नी को कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद ताला तोड़कर ला सकता हूँ, कैसे समाज में सीना तान कर कह सकता है मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, और कैसे सांसों को बेचे हुए पैसे से अपने बच्चों को दो वक्त का निवाला खिला सकता है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि समय बदलता है। आज तुम दूसरे के सांसों का सौदा कर रहे हो, कुछ लोग तुम्हारे सांसों का सौदा बाद में करेंगे। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इस वीडियो को आप ही नहीं, ऊपर बैठे यमराज जी भी देखकर पानी पानी हो जाते होंगे। सोचते होंगे कि पृथ्वी पर ये कैसे यमराज उत्पन्न हो गए जो कुछ पैसों के लिए जिंदगी खरीद बिक्री कर रहे हैं। यमराज जी जरूर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछते होंगे कि हजूर आपने ये कैसे इंसानों को बनाया जो इंसान कुछ पैसों के लिए किसी की इंसान जिंदगी खरीद बिक्री कर सकते हैं। यह मामला कटिहार का है। यह जो आप स्क्रीन पर ऑक्सीजन सिलेंडर देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र से कटिहार के लिए मंगाया गया था, लेकिन जब यह स्टेशन पर पहुंचा तब इसको लेने वाले का पता नहीं और भेजने वाले का पता नहीं। जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसको देखा, यह लगभग 200 से लेकर 250 सिलेंडर के आसपास थे, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई और छानबीन करने लगी तो यह सिलेंडर सती इंटरप्राइजेज का निकला। ऑक्सीजन का सब खेल उद्भेदन किया है पुलिस ने, क्या था पूरा मामला और किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज? कल रात्रि में बम्बई से ट्रेन के माध्यम से कुल 225 सिलेंडर जो है हम SDO साहब, थाना अध्यक्ष नगर और सहायक के द्वारा हम लोगों ने बरामद किया था, और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें कुल 5 नामजद जो है उसमें किया गया है, जिसमें ललित अग्रवाल, अजय गुप्ता और उसमें बम्बई से जो आया था वो लोग भी है, शक्ति इंटरप्राइजेज पर भी है, और जो टेम्पो चालक था वो एक गिरफ्तार भी हुआ है। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए हैं और इसमें सीधी गिरफ्तारी करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त है उनको हम लोग जेल भेजेंगे। सर कहाँ से कहाँ लाया जा रहा था? सर यह बम्बई से कटिहार लाया जा रहा था, और इससे स्पष्ट रूप से इसकी ब्लैकमेलिंग के लिए, मतलब अधिक दाम के लिए जो है कि लाया जा रहा था, जो उसको ब्लैक मार्केटिंग उसको करते हैं। इससे पहले भी कोई मामला था क्या? कटिहार में से पहले भी हम लोग छापमारी किए थे, हम लोग को सूचना मिली थी ललित अग्रवाल के यहाँ है तो उनके घर पर छापमारी की गई थी, लेकिन उस समय में नहीं मिला था। कौन है ललित अग्रवाल? सर ललित अग्रवाल यहाँ KBC है, उसी वह चलाते हैं, प्लस और उनके पास और बिजनेस मैन है कटिहार के। सर उनके खिलाफ एक बार और बैरिकेटिंग तोड़ने का भी मामला आया था, तो उसमें भी प्राथमिकता? उस संबंध में आई थी वीडियो एक आई थी, लेकिन उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज अभी तक नहीं हुआ। सरकार द्वारा बनाया गया बैरिकेटिंग टूट जाता है सर, और प्राथमिकी दर्ज नहीं होती तो पुलिस उसमें क्या कर रही है? उसमें हुआ है क्योंकि कंटेनमेंट जो है उस तरह की हम लोग को सूचना नहीं मिली है, तो हम लोग उसमें देखेंगे, वो अंचल पदाधिकारी को उसको जांच करना था, तो हम लोग के पास लिखित नहीं आया है, आएगा तो हम लोग करेंगे। सर कार भी जब्त की गई, चमचमाती कार का क्या? हाँ, एक कार भी उसमें जब्त किया गया है, तो उसमें जानकारी मिली है जो उसी में के कोई अरुण यादव जी है उन्हीं का कार है, तो हम लोग उसमें भी जाँच करेंगे और उनकी भी संलिप्तता होगी तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे यही होगा जो ऑक्सीजन जो है उसको हम लोग जब्त किए हैं और उसमें ये गिरफ्तार हुआ है, उसमें मेन अभियुक्त लोग जो हैं सो ही फरार हैं, हम लोग छापमारी करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, और इस तरह जो भी कोई ब्लैक इस तरह की काम करेंगे कटिहार में तो उसको हम लोग नहीं करने देंगे, यही हमेशा प्रयास रहेगा। ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, इतने सिलेंडरों का करेगी क्या? उसमें प्रशासन इस पर विचार कर रही है और हम लोग हॉस्पिटल को हो सकता है कि जिम्मानामा पर दिया जाए, इसको जनहित में इसका काम हो। दो पार्सल कलर निलंबित किए गए हैं, पूरा मामला क्या था? ये अभी तो बताया मैंने कि जो है इसमें एक कंसाइनमेंट आया था 226 सिलेंडर्स का, जिनको कि डिलीवरी का प्रोसीजर जो है प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, उस कारण से उन लोगों को निलंबित किया गया। नियम क्या था सर, कैसे डिलीवरी होने था, नियम क्या है? नियम है कि वो पहले पार्सल ऑफिस में जाएगा, सामान जो आता है और वहाँ से उसको डिलीवरी दी जाएगी प्रॉपर चलान दिखाने के बाद में। किनका था सामान वो सर? सती सिक्योरिटी।
सर, किन किन लोग पे FIR की जाए? विभाग क्या करेगा अब निलंबित लोगों के खिलाफ? डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, चार्जशीट दी जाएगी और फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। रेलवे कर्मी निलंबित हुए हैं, क्या है पूरा? ये पार्सल जो के माध्यम से आया था ये गैस सिलेंडर, उसकी जांच की गई। रेलवे का जो पार्सल ऑफिस है ये बताने में अभी सक्षम नहीं है, ना ही कोई कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि कौन से कंसाइनी हैं और कौन सा कंसाइनर है, यानी किसने भेजा और किसने पाया, इसकी जानकारी अभी तक रेलवे कागजात से नहीं उपलब्ध हो रही है। इस संबंध में सीनियर DCM कटिहार से बात किया गया, उनके द्वारा बताया गया है कि जो उस पीरियड के जो कर्मी थे, कोई सिंह AK सिंह और RK सिंह, उसे SK सिंह, उसे सस्पेंड कर दिया गया और मामले की रेलवे की द्वारा जांच की जा रही है कि किस वजह से बिना कंसाइनर या बिना कागज़ प्राप्त किए हुए कैसे डिलीवरी दिया गया गैस सिलेंडर। तो पूरा जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रेलवे का सिस्टम भी जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो इस तरह के कारनामे में संलिप्त। क्या लगता है सर, बड़े बड़े लोग के कारण नीपापोती की जा रही है क्या? अब ये तो जांच का विषय, जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल। क्या क्या सपोर्ट मिला सर रेलवे के द्वारा? अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है रेलवे के द्वारा। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल तक वो बता देंगे कि कौन इस सामान को यहाँ कटिहार में मंगवाया था। सांसों पर काला बाजारी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कटिहार में और पूरे बिहार में इससे ज़्यादा अमानवीय स्थिति नहीं पैदा हो सकती है। कटिहार में 250 सिलेंडर काला बाजारी हो रही है। कटिहार के जिले के कोने कोने के लोग सांस के बिना जान जा रही, ऑक्सीजन एक सांस है लोगों के लिए, जिंदगी लोगों की जान जा रही है। लोग लगातार फ़ोन करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, मगर हम लोग कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अवेलेबल नहीं करा पा रहे। स्थिति यह है क्योंकि सारे मार्केट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो काला बाजारी है, लोग स्टॉक करके रखते हैं। इस तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर आज जो मिला है रेलवे में, जिस तरह ट्रेन के माध्यम से लाया गया है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कटिहार के जिम्मेदार लोग इसमें इन्वॉल्व है। पूरा कटिहार देख रहा है कि कटिहार बिहार सरकार के डिप्टी CM का जिला है और वहाँ अगर इस तरह की स्थिति है कि वहाँ काला बाजारी हो रही है गैस सिलेंडर की, लोगों की जान जा रही है और कोई देखने वाला नहीं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के साथियों को जिन्होंने इसको उजागर किया, और मैं कटिहार के DM साहब से भी मांग करता हूँ तुरंत अविलंब उसको गिरफ्तारी किया जाए, SP साहब भी गिरफ्तार करें। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में लोगों की जान जाती रहेगी और कोई बोलने वाला नहीं होगा। रसूखदार लोग का नाम आ रहा है, कोई रसूखदार क्या होता, कोई रसूखदार नहीं है। हर एक इंसान रिक्शा चलाने वाले की ज़िंदगी जितनी मायने रखती है उतना ही एक रसूखदार की ज़िंदगी मायने रखती है। हमारे लिए कोई रसूखदार नहीं है, कानून अपना काम करे। राष्ट्रीय जनता दल इस पे अड़े रहेगी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। इससे पहले भी सिलेंडर बरामद की गई थी। मैंने तो लगातार मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति अगर बनी रही तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को, अब बिहार सरकार के डिप्टी CM को इस पद पर रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ लोगों की जान जा रही है कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के बिना, अगर वहाँ कालाबाजारी होती है तो इस सरकार को एक मिनट भी रहने का हक नहीं है।